तो क्या हाल चाल आपके? तो आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक कॉल आया है बोलेरो न्यू, रास्ते में गाड़ी खराब है, तो चलिए हम चेक करते हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या इस गाड़ी में समस्या है। कस्टमर का कहना है कि गाड़ी जैसे हम पंप पे गया, गाड़ी जैसे तेल लगाया, तेल लगाने के बाद कुछ देर चला, उसके बाद गाड़ी बंद किया, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं इसमें सब। वीडियो दिखाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समस्या कहाँ पे दिखाते हैं। तो हमने फाइनल गाड़ी के पास पहुँचे, ये गाड़ी है जो चारों तरफ सबको दिखा रहे हैं और गाड़ी मेन मार्केट में देख पा रहे हैं। हम बोनट खोल रहे हैं और इसमें देखते हैं समस्या कहाँ पर है, जो अभी दिखाते हैं बोलेरो न्यू कौन सा है। देखें यहाँ पर बोलेरो 8 है न्यू, और फटाफट आप चलते हैं समस्या दिखाते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कहाँ पर। तो गाड़ी A8 है और चलिए आपको डिस्प्ले में दिखाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं इसमें क्या समस्या आ रहा है। तो डिस्प्ले में खाली OBD का लाइट आ रहा है जो ऊपर दिख रहा है मोबिल फिल्टर मोबिल के बगल में। तब चलिए सेलअप मारते हैं और सेलअप मारने के बाद आपको गाड़ी का आवाज़ सुनाते हैं गाड़ी में, देखिए कैसे मार। तो मारते हैं यहाँ पर सेलअप, तो यहाँ पर देखिए सेलअप मार रहा है और इसका आवाज़ देखिए। तो यहाँ पर देखें आपको आवाज़ कैसे किया, खड़खड़ा के गाड़ी एकदम, और उसके बाद गाड़ी कट ऑफ हो रहा था। यहाँ पे डायग्नोस करें और देख रहे हैं DTC कोड कितना आ रहा है और देखते जाइए यहाँ पे, यहाँ देखिए कितना प्रॉब्लम बता रहा है, देखिए कर रहे हैं बहुत सारा कोड आ रहा है। तो इस सब कोड को क्या करेंगे पहले क्लियर करेंगे। देखिए MBFM का UIC कनेक्ट इमेजर इमो बेस्ट, तो इसको सबसे पहले हम इसको क्लियर करके फिर से देखते एक बार गाड़ी स्टार्ट करके। तो यहाँ पे मीटर में देखें, मीटर का भी ठीक है, एक बार फिर से स्टार्ट करके देखते हैं प्रॉब्लम ख़त्म हो रहा है कि नहीं। तो चाबी ऑन करते हैं और सेलअप मारते हैं, सेलअप मारने के बाद देखते हैं क्या स्थिति है। तो वही समस्या है, स्टार्ट नहीं हो रहा, फिर से देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो अब फिर तो अभी सब प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, चलिए इसमें देखते हैं कहाँ पे समस्या है।